हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आप भी रोज़ एक ही तरह का ब्रेकफास्ट करके पक चुके हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो एग लिए हैं, इनको मैंने फेंट लिया है प्याज और हरी मिर्च ऐड करके, और साथ ही मैंने चार ब्राउन ब्रेड ली हैं, और यहाँ पर मैंने चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज लिए हैं, और दो आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, और यह है पुदीना, टमाटर और हरे धनिए की चटनी। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन गरम करना है, आप इसमें कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, हाफ टेबल स्पून के करीब होगा ये। तो सबसे पहले हमने एग भुर्जी बना लेनी है, जिस तरीके से हम बनाते हैं नॉर्मली। और एग इसमें ऑप्शनल है, जो लोग एग नहीं खाते हैं वो विदाउट एग भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे एग भुर्जी बन गई है, इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो दूसरी तरफ हम स्टफिंग तैयार करते हैं। जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, इनको मैं मैश करके रेडी कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने चॉपिंग वगैरह की हुई थी सब्जियों की, ये ऐड कर दूंगी, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। आप चाहें तो कुछ और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, लाइक शिमला मिर्च, गाजर। तो इस टाइम पे जो अवेलेबल था मैंने वही डाला है। और यहाँ पे ऐड कर देंगे नमक और रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी ऐड की हुई है इसमें। और साथ ही मैंने लिया है हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन। और इसके बाद मैं यहाँ पे एग भुर्जी भी ऐड कर दूंगी, ये अब ठंडी हो गई है। तो इन सबको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छा मिक्सचर बना देंगे। तो स्टफिंग अब रेडी हो गई है, अब हम टोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स कट कर दिए हैं, आप चाहें तो विदाउट कॉर्नर्स कट किए भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग जो है एक स्लाइस में भरनी है अच्छी तरीके से, आप जितना चाहें भर सकते हैं, इसमें बाहर निकलने का या टूटने का कोई डर नहीं है। तो आप जितना चाहें अपने अकॉर्डिंग इसमें भर सकते हैं। तो एक स्लाइस में हमने स्टफिंग डाल दी है और अब दूसरी स्लाइस में हम चटनी स्प्रेड कर देंगे। और चटनी अगर ना हो तो इस पर आप शेज़वान चटनी या फिर टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं, कोई चीज़ भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो इसी तरीके से मैं सारे टोस्ट रेडी कर लूँगी। तो ब्रेड स्टफिंग रेडी करने के बाद यहाँ पे पैन गरम कर लेंगे, और इस पे मैं लगा रही हूँ हल्का सा देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो जब ये गरम हो जाए तो उसके ऊपर ये टोस्ट रखना है और इसको सेकना है दोनों तरफ से, और दूसरी तरफ भी मैं एक बार हल्का सा लेयर इस पे देसी घी की अप्लाई कर लूँगी। और मैं जब भी टोस्ट बनाती हूँ तो देसी घी में ही इसको फ्राई करती हूँ, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है तो। तो एक दो मिनट बाद ही ये बहुत अच्छी तरीके से सिक गया है एक तरफ से, और स्टफिंग भी बाहर नहीं निकली है इसमें। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन सा। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है ये टोस्ट, आप देख रहे हैं एकदम रेडी है। और इसके बाद मैं दोबारा से इस पर घी अप्लाई करके दूसरे टोस्ट रख दूँगी। और दूसरी तरफ पैन में चाय बन रही है तो वो हस्बैंड बना रहे हैं। बहुत से लोग इस रेसिपी के बारे में जानते होंगे, बहुत लोग बनाते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं या फिर जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें, ये बहुत अच्छा होता है। और आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत खुशी खुशी खाते हैं बच्चे भी इसको। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए, आज संडे है और काफी बारिश हुई है सुबह, अभी भी हो रही थी, बट अभी 5-10 मिनट पहले रुकी है।
तो अब थोड़ा सा ठीक हुआ है मौसम, और मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आपको। मैं कल के ब्लॉग में भी बता रही थी, एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड हो गया है तो इस वजह से चेंज लग रही है वॉइस। और बाकी क्लीनिंग वगैरह मैं कर चुकी हूँ आज, और बाकी थोड़ा सा रूम अरेंज करना है, जो सामान इधर उधर फैला हुआ है आप देख रहे हैं पीछे, चार्जर वगैरह, लैपटॉप मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, पानी की बोतल यहाँ रखी हुई है, तो ये सब मुझे अरेंज करके रखना है। और बाकी जो काम है वो किचन का रह गया है, किचन क्लीन नहीं हुआ है, किचन क्लीन करना है, उसके बाद कपड़े भी वॉश करने हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। करना है ये वाला कैबिनेट, क्योंकि काफी दिन से मैंने ये क्लीन नहीं किया था और बहुत डस्ट हो गया है, क्योंकि मतलब 1-1.5 हफ्ता हो गया आई थिंक, तो तब से मैंने ये क्लीन नहीं किया है, डस्ट हो गया। और क्योंकि मैं ये खुला रहता है तो एकदम से इसमें डस्ट हो जाता है, उसको क्लीन करना जरूरी है। इसमें मैंने कोई पेपर वगैरह भी नहीं बिछाया है और मैं इस पे क्रॉकरी वगैरह ऐसे ही रखती हूँ, तो इस वजह से भी इसको क्लीन करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये सामान हटा के रख लेती हूँ, उसके बाद इसको क्लीन करूंगी, और उसके बाद फिर काउंटर टॉप क्लीन करना है, काउंटर टॉप वगैरह बाद में करूंगी, पहले ऊपर का क्लीन कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। से क्लीन कर दिया है इसे, एक बार अब मैं सूखे कपड़े से साफ कर दूंगी, जिससे कि छोटे मोटे दाग धब्बे वो भी साफ हो जाएं अच्छी तरीके से। वैसे तो सॉल्यूशन से काफी अच्छी तरीके से क्लीन हो ही चुका है, फिर भी एक बार सूखे कपड़े से पोंछना सही रहता है ना। मॉर्निंग में ये सब्जियां मंगवाई थी हस्बैंड से, तो इनको मैं पहले खाली करके रख देती हूँ, फिर मैं काउंटर टॉप क्लीन कर लूंगी। करेला है और खीरा है, भिंडी है, इनको मैं खाली करके वॉश कर लूंगी जिससे कि इनका पानी निकल जाए, फिर उसके बाद इनको फ्रिज में स्टोर करके रखूंगी। सब्जियों को मैंने वॉश कर दिया है, इनको मैं यहीं पे रख देती हूँ जब तक इनका पानी नहीं निकलेगा, और पानी निकलने के बाद फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी, और उसके बाद मैं काउंटर टॉप क्लीन करूंगी।
मैंने कर दिया है, इसके बाद मैं ये वाला पोर्शन कर रही हूँ। ये वाला पोर्शन साफ किए हुए भी काफी टाइम हो गया है, इसमें भी काफी मिट्टी हो गई है। तो इसलिए एक बार इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो ये वाला पोर्शन हो गया अच्छी तरीके से क्लीन, और इस सिलबट्टा यहीं पे रखा हुआ मैंने, क्योंकि अगर खड़ा करके रखो तो ये गिर सकता है, और इतना कूड़ा निकला है इसमें से। काउंटर टॉप तो मैंने क्लीन कर ही दिया है, सब्जियां वॉश करके रख दी हैं, इनको अब फ्रिज में रखना है मुझे। किचन कैबिनेट मैंने अब क्लीन कर लिए हैं, तो इसके बाद सबसे लास्ट में मेरा काम है बर्तन वॉश करने का। तो आप देख रहे हैं कितने सारे भरे पड़े हैं बर्तन सिंक में, तो इन सबको मैंने वॉश किया है, और उसके बाद सिंक मैंने क्लीन किया। तो इतने काम तो मतलब डेली रहते ही हैं, इसके अलावा बाकी और काम करने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल पाता, तो बस टाइम निकालना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। इसलिए मैं रोज़ एक साथ बहुत सारे क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही रोज़ क्लीन करती हूँ। कभी कुछ कर लिया, कभी फ्रिज क्लीन कर लिया, कभी कैबिनेट वगैरह क्लीन कर लिए, या किसी दिन रूम की सफाई कर ली, तो इस तरीके से मैं काम को डिवाइड कर लेती हूँ, और काम भी हल्का हो जाता है, और बाकी कामों के लिए भी हमें टाइम मिल जाता है, और थोड़ा बहुत रेस्ट भी हम कर पाते हैं। तो सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली है, और अब मैं बैठ गई हूँ यूट्यूब का काम करने के लिए। टीवी ऑन करूँगी और थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करना है, लैपटॉप निकाल लिया है, मोबाइल है, डोंगल है, तो यूट्यूब का सारा तामझाम लेके मैं बैठ गई हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच, और एक्चुअली घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए बनाना है मुझे। तो सब्जी दाल मैंने चढ़ा दी है कुकर पे, और अब मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और राइस, साथ में सैलेड रहेगा, और थोड़ी सी रोटियां भी बना दूंगी। तो फटाफट से लंच प्रिपेयर करना है, क्योंकि किसी भी टाइम आ सकते हैं, तो पता नहीं शूट करने का टाइम हो भी पाएगा या नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी शूट करने की। Thank you.
अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियां, क्योंकि दाल बन गई है, इसमें चावल रखे हुए हैं, उधर सब्जी बन गई है और सैलेड भी मैंने कट करके रख लिया है, सिर्फ रोटियां बनानी है, तो फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। तो लंच मैंने रेडी कर लिया है और ये अचार निकाला है साथ में खाने के लिए, और इसमें है सैलेड, नींबू, प्याज और खीरा, दो हरी मिर्च भी रखी है। इसमें चावल रेडी हो गया है, तो ये है भिंडी की सब्जी जो कि रेडी है, और ये है दाल अरहर की और मसूर की, और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं दिख रहा, सिर्फ ये मुझे वॉश करना है, थोड़ी देर बाद वॉश करूँगी, अभी गर्म है। अभी जो है दोपहर के 3 बज रहे हैं और जो गेस्ट आए थे, मैंने आपको बताया था गेस्ट आने वाले थे, तो खाना वाना खा के चले गए हैं और मैंने भी खाना खा लिया था, तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए और किचन क्लीन किया, काउंटर टॉप वगैरह क्लीन किया, तो इन सब में टाइम लग गया। और बाहर अब हल्की सी धूप आने लगी है, तो हल्की हल्की सी धूप आने लगी है, मैंने कपड़े छत में टांगे हुए हैं, वो सूख जाएंगे शाम तक। तो इस तरीके से रहा आज का मेरा दिन, और सुबह से मुझे अभी रेस्ट करने के लिए मिला है, तो मैं अब थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, वीडियो वगैरह एडिट करना है, तो इस व्लॉग को भी मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, कल बनाऊंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग। और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरा चैनल, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।